सीबीएसई क्लास 9th और 11th के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने अपने स्कूलों में एग्ज़ाम में फेल कर दिए गए स्कूलों के द्वारा, और उनसे कहा गया कि आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है। क्लास 10th और 12th के बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट प्राइवेट इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे हैं और उनको एग्ज़ाम देना है। अब उनकी समझ में इस टाइम पर ये नहीं आ रहा है कि हम कैसे पढ़ाई करें कि पास हो जाएं। बच्चों, इस वीडियो में मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी दो चीज़ें हैं, अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो आपका पास होना लगभग लगभग तय है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं, तो नए नियमों के अनुसार आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या पढ़ के जाना चाहिए, कोई भी आपको फेल ना कर सके, इस वीडियो को देख लेना। और चूंकि मैं CBSE स्कूल का ही टीचर हूँ, तो मुझसे बेहतर आपको इस बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। मैं हूं मानद पांडे, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बहुत सारे हमारे 10th और 12th के ऐसे बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट 2 या थर्ड की परीक्षा, कंपार्टमेंट थर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा भी क्लास 9th और 11th के बच्चों को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। केंद्रीय विद्यालय में या बहुत सारे स्कूलों में उनको रीटेस्ट देने के लिए बोला गया है। बहुत सारे बच्चे रीटेस्ट दे भी चुके हैं और पास कर गए, कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं। अब बच्चों देखो, जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है उसमें एक बेसिक सी बात ये है कि सभी लोगों को पता है कि आप पहले से एक बार फेल हो चुके हो, दोबारा वो आपकी कॉपी को ढंग से देखेगा कि आप में कुछ सुधार आया है या नहीं आया है। और जो बचा हुआ समय है इसमें आप थोड़ी सी चालाकी से अगर पढ़ लो तो निश्चित रूप से आप पास हो जाओगे। अब वो चालाकी क्या है, कैसे पढ़नी है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि पास होना तय है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 4 से 5 वर्षों तक, मैं 4 से 5 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 साल तक हमारा ये सिस्टम बहुत अच्छे से नहीं चल पाया, लेकिन 4 साल तक तो हमने ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से हज़ारों की संख्या में, कम से कम 30 से 35 हज़ार ऐसे बच्चे रहे होंगे जो हमसे जुड़े और पास हो गए। तो एक हमें आइडिया लग गया, पता लग गया कि किस तरीके से CBSE में बच्चे पास होते हैं। अब देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ, चाहे आप 9th के हों, 10th, 11th, 12th के हों, किसी भी क्लास के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो आपको दो छोटी छोटी चीज़ें करनी हैं और आप फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। अब वो दो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप नहीं कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये है बच्चों कि आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते हैं और आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि अब बचा हुआ 1 महीना 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे ये तो आपको पता नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे, अगर आपको ये पता भी हो जाए तो क्वेश्चन कैसे आएंगे ये आपको नहीं पता है। और आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढते हैं, उन्हीं को रट लेते हैं या उन्हीं को बार बार पढ़ते हैं और पढ़ के जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और कई बार इनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने का सबसे ख़राब अनुभव तभी होता है जब उसमें से कोई क्वेश्चन ना आए। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ करके गए तो आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, इसमें गारंटी नहीं है। आपको मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको समझना। डियर लर्नर्स, CBSE क्लास 10th और क्लास 12th के टर्म 2 का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अन एकेडमी आपके इस फाइनल प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए, इस तैयारी को और अच्छा करने के लिए लेकर के आया है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री है और आप लोगों के फाइनल टर्म एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आप लोगों की हेल्प कर देगा। तो अगर आप भी CBSE के टर्म 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर इनरोल करें और पाएं चांस 100% स्कॉलरशिप जीतने का। इसके अलावा अपनी फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को असेस करने का, उसे बूस्ट करने का, इसके अलावा कंप्लीट टर्म 2 रिवीजन टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही में क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा। तो अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए 16 से 19 अप्रैल तक ये इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको इनरोल करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी जाएं और इनरोल करें, यूज़ करें हमारा कोड GEA और किसी भी सब्सक्रिप्शन पर पाएं 10% ऑफ। तो बच्चों, अन एकेडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। आप अपने पेपर के पैटर्न को देखो, सिलेबस अपना देखो, और उस सिलेबस में तो ये दिया ही होगा, सिलेबस का पैटर्न ये होगा कि किस चैप्टर से या किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यूनिट 1 से
10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, यूनिट 2 से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ये आप देख लो। और उनमें से कोई भी दो यूनिट या तीन यूनिट, जैसे 6 यूनिट है तो 3 यूनिट, 4 यूनिट है तो 2 यूनिट, जो भी यूनिट हैं उसमें से 50% सिलेबस, वो दो यूनिट ऐसा सेलेक्ट करो जो आपको आसान लगता हो और बाकी का क्वेश्चन पेपर छोड़ दो। मतलब बाकी का 50% छोड़ दो, ये मान लो कि ये तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, ये 50% उठाओ, एक तरफ से पूरा पढ़ डालो, इजी टफ कुछ भी। अब अगर तुम ये 50% पूरा पढ़ के गए तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 50% का 50% तुम कल ले जाओगे, भाई तुम 50% पढ़ के गए हो तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तुमने अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, तुमने क्या पढ़ा है 50% सिलेबस। और कोई भी एग्जामिनर उस 50% सिलेबस को इग्नोर नहीं कर सकता, नियर अबाउट उस 50% सिलेबस में से 40 से लेकर 60% तक क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब 40 से 60% मार्क्स उसमें कवर हो जाएंगे, 50 के अलावा 40 भी हो सकता है, 50 के अलावा 60 भी हो सकता है। अब सोचो बच्चों, अगर तुम इसे ढंग से पढ़ करके गए हो और 40% क्वेश्चंस भी आ गए, मैं 60% नहीं मान रहा, 50% नहीं मान रहा, 40% क्वेश्चंस भी आ गए और तुम ढंग से पढ़ करके गए हो तो 30% तो तुम कर ही ले जाओगे, ये 30% तुम्हारी झोली में आ गए, तुम्हारे पास आ गए। पहला तरीका है, अभी मैं दूसरे मैटर पर बात नहीं कर रहा, दूसरा भी काम करना है आपको, तो एक तो ये करना है। इसी के साथ में जो बचा हुआ 50% है बच्चों, वो तो आपने कभी ना कभी पढ़ा ही है ना, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो रेगुलर कैंडिडेट थे तो आपने उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा ही है। जब ये 50% आपका कंप्लीट हो जाए तो एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ये जो बचा हुआ 50% है इसमें से एक नंबर के या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आराम से देख लो। हम कह रहे हैं कि इस 50% में से तुम 10% कर पाओगे, 20% कर पाओगे, तो 10 या 20% अगर तुम कर ले गए तो इसमें से भी 6-7 नंबर पा जाओगे। इस तरीके से तुम 100% में से 40 से 50% के आसपास नंबर ले आओगे, और ये मेरा तरीका हमेशा से वर्क करता है, और इसी वजह से हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे ज़्यादातर पास हो जाते हैं, 95% से ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। एक तो ये काम हो गया कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, 50% सिलेबस पढ़ना है, कोई भी 50%, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, मतलब चैप्टर जो उठाना है पूरा पढ़ना है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं। दूसरा तरीका हमारा ये है बच्चों, इम्प्रेस योर एग्जामिनर। भाई एक कहावत है, बिकता वही है जो दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। अब तुम क्या दिखा रहे हो एग्जामिनर को, तुम तो एग्जामिनर के पास गए नहीं हो, तुम्हें इम्प्रेस करना है अपने एग्जामिनर को। इम्प्रेस करने के 3 तरीके हैं, वो मैं बता रहा हूँ इम्प्रेस करना कैसे है। जो फर्स्ट के 3-4 पेजेस हैं इसमें खूब अच्छे से हैंड राइटिंग बना करके लिखनी है, पहली चीज़ साफ साफ लिखनी है, कोई भी कटिंग नहीं करनी है आपको, कहीं भी इतना आराम से लिखो कि कोई कटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ हो। प्लस इन 3-4 पेजेस में जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो पहले से ढूंढ लो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें गारंटीड आते हैं, 100% आते हैं, चाहे 1 नंबर के हों, 3 नंबर के हों, 2 नंबर के हों, 5 नंबर के हों। तो पहले 2-3 पेज तो कम से कम, 3 पेज तो कम से कम, 3 पेज का फार्मूला हम इसे कहते हैं, तो 3 पेज कम से कम ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो 100% आपके हिसाब से सही हों। अब खुद सोचो बच्चों, जब कोई एग्जामिनर पहला पन्ना देखा आपके सारे क्वेश्चन सही, दूसरा देखा सब कुछ सही, थर्ड वाला देखा इसमें भी सही, उसके दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा कि बच्चा बहुत अच्छा है, हैंडराइटिंग तो तुमने ठीक ठाक लिखी ही है, उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है, कटिंग कोई नहीं की है, तो अब उसके दिमाग में आपका इंप्रेशन अच्छा आ गया। आगे अगर तुम थोड़ा घसीट के भी लिखोगे, अच्छी हैंडराइटिंग नहीं भी होगी ना, तो भी तुम्हें अच्छे नंबर दे करके हो जाएगा। कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं करना चाहता, ये बात ध्यान रखो, कोई भी एग्जामिनर नहीं फेल करना चाहता, सब कोई पास करना चाहता है, बशर्ते तुम लिख करके आए हो 3-4 पेज, अगर तुम ठीक ठाक लिख करके आए हो, बाद में तुमने घसीट करके लिखा, थोड़ा सा रॉन्ग भी लिखा तो भी नंबर मिलने की संभावना होती है। हालांकि CBSE के टीचर पढ़ करके नंबर देते हैं, लेकिन अगर 3 पेजेस में तुमने उसको इम्प्रेस कर लिया है तो थोड़े बहुत रॉन्ग पे भी आपको नंबर मिल सकते हैं बच्चों, और इस तरीके से आप 4-5 नंबर एक्स्ट्रा पा सकते हो जो अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया। तो दो चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है जो वर्क करती है और मैं उसको बताऊं, आपके पास में अगर
नोट्स हो, अच्छा नोट्स हो और गाइडेंस हो। तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को गारंटीड 100% पास करवा सकती हैं। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मुझे ये पता है कि आपके पास नोट्स अच्छा होगा ही होगा, आप कहीं ना कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ ही रहे होंगे, या घर में कोई गाइड करने वाला या मित्र मंडली में कोई ना कोई गाइड करने वाला होगा। तो ये चार चीज़ें आपके पास में हो गई बच्चों, और इन चार चीज़ों से तुम कभी फेल हो ही नहीं सकते, बशर्ते तुम इन बचे हुए 10 दिन में तुम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो। मेरे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में पिछले सालों में ऐसे भी बच्चे जुड़े हैं जो 7 दिन पहले जुड़े और उन्होंने हमारी बात मानी और ये दोनों मुद्दों पर वर्क किया। अच्छे से लिखा उन्होंने पहले के 3 पेजेस को, वही क्वेश्चन लिखा जो उनको आता था, और बाकी उन्होंने 50% सिलेबस पढ़ा, 50% को छोड़ दिया ये मान करके कि ये हमारे काम का नहीं है, और उसमें से जो क्वेश्चंस आए उसमें जो जानते थे उससे रिलेटेड कुछ भी लिख करके आए, और वो बच्चे गारंटीड पास हो गए। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएँ, इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बच्चों अगर आज भी आप इससे जुड़ते हैं तो मैं गारंटी 100% की नहीं लूँगा, लेकिन 95% से ज़्यादा संभावना है कि आप पास हो जाएंगे। किसी भी क्लास में हो हमसे संपर्क करके एक बार आप देख लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर और लिंक पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बशर्ते आप मेहनत करो और अच्छे रिजल्ट के लिए प्रयास करो, तो बिना हमसे जुड़े भी आप पास हो सकते हो। लेकिन अगर हमारा गाइडेंस चाहिए, हमारे नोट्स चाहिए और भी इम्प्रेस करने के तरीके आपको जानने हो तो हमसे जुड़ जाना बच्चों। आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।